दोस्तों। आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पर, और बस अभी जस्ट हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। अभी इसके बाद निकलेंगे हम लोग। आज का प्लान भी काफ़ी अच्छा है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट फ़िलहाल नाश्ता करने बैठे हैं, तो आज के मेन्यू में जो है मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, आज जो हमें नाश्ता मिला है वो है पूरी और छोले आलू की सब्ज़ी, साथ में है अचार, और ये देखो लौंडे खाना खाते हुए, खाना खाने का आनंद लेते हुए। और ये रहा हमारा तीसरा भाई। खाना इम्पोर्टेंट है भाई इन लोगों के लिए, तो सब्र नहीं होता। बस अभी चाय का इंतज़ार है, जैसे चाय आएगी चाय के भी चुस्की ली जाएगी, और बाकी फिर जैसे निकलते हैं देन आपको आगे का हाल बताते हैं। तब तक ले टड़ा बाय बाय। तो दोस्तों, जस्ट ब्रेकफास्ट हम लोगों ने ख़त्म किया और चाय मिली है मस्त, तो अभी चाय का आनंद ले रहे हैं बहुत ही प्यारे नज़ारे के साथ। अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो एक सेकेंड, ये देखो क्या सुंदर नज़ारा है, और ऐसे नज़ारे के सामने चाय का आनंद लेते हुए अलग ही लेवल का मज़ा है। वीकेंड गेटअवे हो तो ऐसा हो यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। बस अभी चाय ख़त्म करके निकलते हैं आगे, और फिर आगे कहाँ कहाँ जाते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी अच्छा प्लान है आज का भी, आपको मज़ा आएगा होपफुली। तो वीडियो को एंड तक देखें, और ठीक है चलो आगे बताता हूँ। टाटा बाय बाय। बेसिकली भविष्य बद्री मंदिर जाने का रास्ता, वैसे तो गाड़ी वाला रास्ता है, बट क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है तो गाड़ी का आना तो इम्पॉसिबल है। इसी वजह से हम लोग को तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर गाड़ी पूरा मंदिर तक जाती है एज़ पर जो हमने लोगों से नीचे पूछा था उसके अकॉर्डिंग। पहली बार ही आ रहे हैं तो हम लोग के लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, बट
पूरा काफ़ी हद तक जो रहता वो से कवर्ड है, तो थोड़ा टफ तो है। ये देखो हमारे बाकी के साथी आते हुए, मंदिर पहुंच गए। बस अभी आपको आगे दिखाता हूँ, एक मोड़ है और उसके बाद फिर मंदिर है। बट मंदिर से पहले जो हिमालयन रेंज यहाँ से दिख रही है ना, मैं उसका आपको दीदार कराना ज़रूर चाहूँगा एक बार। ये आप देखो, बहुत ही नज़दीक है हमारे और बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों ये है वो, देखो हिमालयन रेंज कितने पास है यहाँ उससे हम, और क्या प्यारा नज़ारा आ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इधर मंदिर है, अभी ऊपर जाएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, बट पहले मैंने सोचा आपको इसके नज़ारे ज़रूर करा दूँ। और ये पूरी हिमालयन रेंज है, आप देखो पीछे तक आपको दिखेगा। सो चलो आगे चलते हैं आप, और मंदिर का आपको दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं कैसा है मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग को मंदिर दिखा है, बट अभी भी ये करीबन 100-200 मीटर दूर है वो, और पूरा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को रास्ता ढूंढने में हुई, क्योंकि बर्फ़ से ढकने के कारण रास्तों का पता ही नहीं लग रहा था। काफ़ी गलत रास्ते भी लिए जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग गया। बट फॉर्चुनेटली बीच में एक दो लोग मिल गए जिन्होंने थोड़ा सा गाइड कर दिया, और फाइनली हम लोग अब मंदिर पहुंच चुके हैं। मतलब पहुंच तो नहीं चुके, पहुंचने वाले हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो वो है मंदिर, बाकी मैं आपको नज़दीक से जब एक बार वहाँ पहुँच जाऊँगा तब दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप एक टाइम लैप्स इंजॉय करो पूरे बर्फीले रास्ते का। बाय बाय। मंदिर का द्वार, और बहुत ही ज़्यादा फिसलन है। फाइनली गाइस हम लोग मंदिर पहुंचे हैं, और ये है मंदिर, आपको दिखाता हूँ मैं पास से।
बाकी यहाँ पर भी मंदिर के अंदर का चित्र फोटो लेना मना है, आप पढ़ पा रहे होंगे मंदिर की दीवार पे, तो अंदर की तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा, आप बाहर से कर लीजिए दर्शन। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप, अच्छा क्या मतलब, आप आइए यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो अभी मैं करता हूँ दर्शन और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ यहाँ के और शॉट्स दिखाता हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय। कि भाई यहाँ पे जब होगा तो उनका दिल ही नहीं लगेगा दर्शन में, सबसे बड़ी बात तो ये है। वो तो उसी बात पर रहेंगे कि कब धंधा रहने होंगे, कब तो पूजा होगी। बाकी जो अभी है वो सत है, अगले का पता जी नहीं। जी भाई भाई बोलो, काफी भगवान का वो हो चुका है ऐसे। जी भाई हम तो भगवान के ऊपर एक तुमसे का पत्र। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो अनफॉर्चुनेटली आज वो दिन है जो जिसका हमको इंतजार नहीं था, आखिरी दिन है आज का और आज हम लोग को वापस देहरादून के लिए निकलना है। 3 दिन कहाँ निकल के पता ही नहीं लगा और आज का दिन भी कैसे निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। तो जस्ट अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग का आखिरी ब्रेकफास्ट आज क्या है। तो दोस्तों आज बनाया है इन लोगों ने पराठे और साथ में है आलू चने की सब्जी। एक नंबर नाश्ता ये खाने की अगर बात करूँ तो भाई जी यहाँ पर तो एकदम मज़ा आ गया।